नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के छात्रों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर छात्र पहले तो फॉर्म भरते हैं, वेबसाइट नहीं चलती है, फिर आवेदन करते हैं, फिर परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, पेपर लीक भी हो जाता है, रिजल्ट के लिए धरना होता है, फिर धरने में लाठियाँ खाते हैं, फिर जाकर रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू आ जाता है, इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं तो अंतिम रिजल्ट के लिए धरना देना पड़ता है, फिर लाठियाँ खाते हैं, कभी कभी मामला हाई कोर्ट डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, फिर 2 साल में फैसला होता है, ऐसे करते करते 3 से 4 साल निकल जाते हैं। ऐसा भी कुछ एक बार फिर से UP SSC की एक और भर्ती में हुआ है। सहायक कोषागार लेखागार के 540 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था, वर्ष 2016 में इसकी परीक्षा भी हो गई, फिर सरकार ने 25 जुलाई 2019 को अधियाचन वापस ले लिया, मामला कोर्ट में चला गया, सहायक कोषागार विभाग की तरफ से याचिका कोर्ट में डाल दी, कोर्ट ने कहा कि यह पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, बस जैसे तैसे फैसला हुआ। चरी छात्रों ने कोर्ट में अपनी बात भी रखी, लेकिन अंततः भर्ती का विज्ञापन निरस्त हो गया और छात्र हार गए। आज हुई सरकार की जीत, तो यह हाल है UP SSC की भर्तियों का। अब यह PET करवा रहे हैं, इसमें तो छात्र का भला नहीं होगा, सिर्फ समय खराब किया जा रहा है। नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाए तभी कुछ होगा, अंततः कुछ भी नहीं है। 4-4 साल बाद भर्तियों को निरस्त कर देते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।